दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ सुजुकी बगमैन गाड़ी है एक, इसमें आपको ब्रेक का जिससे ब्रेक सेटिंग कैसे किया जाता है उसका तरीका, और इसका जो फोक होता है जिससे उसका ढीला हो जाता है टाइट करने का, उसका तरीका वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो आने वाली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेकल घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों मेरे पास आई हुई है सुजुकी वैगमैन गाड़ी है, गाड़ी में आपको इसमें आप एक गाड़ी में तीन चीज़ आप बताऊंगा आप इसको कैसे काम कर सकते हो, एक तो आगे का ब्रेक, एक पीछे का ब्रेक, और एक जो होता है फोक, कभी आपको गोली डालना या फोक लूज है उसका तरीका बताऊंगा कैसे इसको काम किया जाता है। पहले आपको क्या करना है वो बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको आगे आना है, आगे आने के बाद इधर देखिए एक स्क्रू, अभी मैंने ओपन किए हूँ आपको बताने के लिए, एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, दो स्क्रू ओपन करने के बाद इसको आपको जो आगे का कवर होता है तो इसको आप नीचे तरीका जैसे नीचे ऐसे आगे साइड में इसको लेना चाहिए, तो ये देखिए ऐसे खुल जाता है, आप ऐसे ऊपर नहीं घसीटना, अगर आप ऊपर खींचोगे तो इधर लॉक रहता है साइड में, ये देखिए इधर लॉक लगा हुआ रहता है, इधर भी है और ये देखिए इधर है, तो आप ऊपर से ऊपर देखो इसे खींचोगे तो टूट जाता है, तो इसको क्या करना है आगे का जो कवर होता है उसको नीचे से इसे आगे तरीका आगे घसीटना चाहिए तो खुल जाता है, एक तो ये हो गया। अब आपको जैसे क्योंकि आप इसको पूरा मीटर का और आगे कवर कैसे वो भी वो बता दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ अंदर क्या काम करना है, इसको कैसे सेटिंग करना है, पहले आपको इसको ओपन करके बता रहा हूँ मैं। इसमें देखिए एक यहाँ स्क्रू लगा हुआ रहता है और ये स्क्रू यहाँ लगा हुआ रहता है, दो स्क्रू हो गया हुआ ये, और बता रहा हूँ कहाँ ओपन करना पड़ता है, ये देखिए आपको हैंडल के पास यहाँ दिख रहा होगा, तो इसको ये देखिए तो यहाँ से एक छोटा से ये लगा हुआ रहता है जैसे मतलब लॉक है, तो ये इसको पुश करोगे नीचे, ये नीचे करोगे तो चले जाता है, बाद में आराम से स्क्रू ड्राइवर से लेके आप निकाल सकते हो, ये एक इधर है, एक जैसे मतलब राइट और लेफ्ट दोनों दोनों तरीका है, दोनों तरफ है, इसको ओपन करने के बाद फिर आपको इसको कैसे निकालना है। अब ये देखिए समझ लो आपको पहले क्या करना है, देखिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप पहले इसको थोड़ा से आगे करना चाहिए, आगे बताओ फिर बाद में पीछे घसीटना चाहिए इसको, आप ऐसे अगर ऐसे घिसे इधर ताकत से फिर अगर आप खींचोगे कई बार नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको ये देखिए आगे करना है, आगे एक तरफ भी करना है, दोनों तरफ भी करना है आगे, ये देखिए इसमें लॉक लगा हुआ रहता है और इधर भी लॉक लगा हुआ, अब इसको निकाल के थोड़ा इसको हल्का से ये देखिए इसको दोनों तरफ इसको ईजी से बाहर ले लेना चाहिए, देखिए ये बाहर आ जाता है, ये देखिए इसमें बाहर आ जाता है बहुत इजी से, पहले आपको आगे तरफ करना है फिर बाद में पीछे तरफ करना है, क्योंकि इसमें देखो लगा हुआ था हैंडल के पास, अभी समझ लो कवर का बता दिया हूँ, अब इसको आगे मीटर का बता रहा हूँ, अब ये देखिए ये जो होता है मीटर, मीटर अभी ओपन बाहर निकाल लेना चाहिए, ये देखिए अब इसमें आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आपको फोक खोलना है या फोक टाइट करना है, जैसे ये नट को टाइट करना है सब चीज़ खोलना पड़ेगा, एक तो ये हो गया, एक आपको ब्रेक बता रहा हूँ, ये देखिए ये ब्रेक देखिए ये मारा देखो लूज है, ये टाइट नहीं है, अगर पीछे से टाइट कर रहा हो तो ब्रेक जाम हो जाता है, जैसे पीछे भी जाम हो जाता है, ये देखिए पहले देखिए इसमें इसका जो वायर होता है आपको बता दे रहा हूँ, वायर यहाँ से पीछे पूरा ये देखिए जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, वो डायरेक्ट नहीं है, यहाँ से अटैच है, इसमें समझ लो दो वायर है, अब आगे बता दे रहा हूँ मैं, ये देखिए आप कितना भी इसको समझ लो एयर निकालोगे, एयर निकालने के बाद तभी भी टाइट नहीं होता है ब्रेक, देखिए पूरा चिपक रहा है देखिए, तो इसको क्या करना चाहिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ये नट को एडजस्ट करने वाला है, तो ये नट को बाहर ऊपर ले जाना चाहिए, अब इसको मैं करता हूँ ऐसे हाथ से थोड़ा ढीला है, ये आगे वाला है जो आगे ब्रेक का होता है, इतना भी मैंने कर दिया हूँ, अब इसको करने के बाद आपको अभी मैंने यहाँ सेटिंग कर दूँगा, अब ब्रेक देखिए
अभी पूरा दब नहीं रहा है, देखिए अभी इसको आपने तो कर दिया, अब इसको आगे जाके बिल चेक करना है, बिल फ्री है, एग्जाम है। अब आगे के टाइट करने के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल देखिए, ये देखिए बिल पूरा फ्री है। तो अब इसको मैं आपको आगे दिखाया, आगे कैसे टाइट किया जाता है, अब इसको पीछे का बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखिए मेरे बराबर परफेक्ट हो रहा है, देखिए अब इसको अब पीछे का बता रहा हूँ, पीछे कैसे जाम हो रहा है आपको कोई दिखा दे रहा हूँ मैं। ये ब्रेक देखिए, ये ब्रेक है देखिए, ये पूरा ऐसे हो रहा है। अगर पीछे टाइट करते, पीछे टाइट आपको दिखा दे रहा हूँ, पीछे अगर आप टाइट किए कैसे क्या होता है। अब इसको आपको ना पीछे टाइट के बता दे रहा हूँ, यहाँ पीछे भी टाइट करूँगा तभी भी आगे का जो होता है लेफ्ट साइड का ब्रेक जो पीछे वाला होता है तो भी ढीला रहता है। अभी आपको टाइट करके दिखा देना, आप सोचोगे कि ना पीछे टाइट करेंगे तो बराबर परफेक्ट आगे के हो जाना चाहिए, जैसे ब्रेक जो होता है आप यूज करते हैं लेफ्ट साइड का वाला बता रहा हूँ। अभी मैं आपको टाइट करके बता दे रहा हूँ, टाइट करने से देखते देखना चाहिए ये पीछे, ये जो है ना घूमना नहीं चाहिए, अगर ये घूम रहा है तो समझ लेना चाहिए कि गाड़ी के अंदर जो ये ब्रेक होता है केबल ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो घूमना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। अब ये घूम नहीं रहा इसलिए टाइट कर दिया। अभी देखो थोड़ा सा टाइट किए, देखिए ब्रेक, ये देखिए पूरा जाम हो गया हुआ है, भाई दो ही आटे में जाम हो गया है। अब इसको आपको आगे दिखा दे रहा हूँ, ब्रेक पीछे जाम हो गया हुआ है। अब ये देखिए लीवर, ये देखिए ये पूरा यहाँ से अभी देखिए ये प्ले है, और जो पीछे मैंने टाइट कर चुका हूँ तभी प्ले है। अभी इसको मैं ढीला कर दे रहा हूँ, ये देखिए हाँ मैं आगे आ लेके अभी भी टाइट है, देखिए ये देखिए अभी ये बिल फ्री हो गया हुआ है। अभी बिल फ्री है, अगर टाइट कर रहा हूँ तो ब्रेक भी आपका जो होता है लेफ्ट साइड का लूज है, और ढीला भी करूँगा तभी भी लूज रहता है। तो उसको कहाँ से सेटिंग किया जाता है वो भी बता दे, उसका भी सेटिंग होता है, उसका कैसे सेटिंग किया जाता है जिस तरीके आपको आगे बता रहा हूँ मैं उसी तरीके से देखिए। ये आला आगे को हो गया होगा, फर्स्ट वाला आगे का, और जो दूसरा है ये देखिए एक और भी है, आपको दिख रहा होगा ये देखिए एक और भी है। तो इसको आपको सेटिंग करना है, इसको आपको सेटिंग करके ऊपर ले आना है। अभी इसको मैंने सेटिंग कर चुका हूँ, अभी दूसरा वाला सेटिंग कर रहा हूँ मैं, अभी आपको दिख रहा हूँ इधर देखिए मैंने उंगली रखा हुआ। अब इसमें कैसे है 10 का पाना लगता है, 10 का पाना बराबर संभाल के करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है टूट जाता है। ये देखिए अभी मैंने इसको ऐसे से इसको थोड़ा बाहर लेके आऊँगा तो बराबर परफेक्ट हो जाता है। तो अभी इसको मैं सेटिंग कर रहा हूँ मैं, जाम रहता है तो पकड़ से करना, जैसे पाने से करना पड़ता है, नहीं अगर फ्री है तो इसको हाथ से घुमा सकते हो। अभी ये देखिए मैंने सेटिंग कर चुका हूँ, देखो सेटिंग बाहर आ चुका हुआ, इसका नट मैं अंदर कर रहा हूँ। ये नट अंदर करने के बाद ये देखिए ये नट अंदर हो गया, ये भी हो गया हुआ। अभी आपको दिखा रहा हूँ ब्रेक, ये देखिए जो ब्रेक होता है लीवर, ये देखिए अभी मार रहा हूँ, देखो रिटर्न जा रहा है, देखिए ये देखिए। तो आपको अगर समझ लो ये ब्रेक पूरा लूज हो गया, आपको पीछे का टाइट कर रहे हो तो आपको यहाँ से करना है, देखिए क्योंकि इसमें ये जो वायर होता है अलग आता है, ये वायर अलग आता है, जो पीछे का वायर होता है वो अलग रहता है, और जो आगे वाला रहता है यहाँ से वायर लगा हुआ आगे डिस्क ब्रेक हो चुका हुआ, जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है इसमें ये देखिए ये डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो डायरेक्ट जो होता है डिस्क ब्रेक जो होता है इधर का आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ इसके हैंडल के पास ये नहीं है, तो यहाँ से एक वायर आया हुआ है, वायर आने के बाद यहाँ इसका जो डिस्क ब्रेक होता है यहाँ लगा हुआ है, तो वायर से कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए आपको एडजस्ट करना है जैसे कि पहले यहाँ करके देख लेना चाहिए। अभी इसका जो प्रॉब्लम था ब्रेक का आगे का पीछे का और इधर लूज करके जो था इसका सब 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका हुआ है। आप भी बहुत इजी से कर सकते हो, बहुत इसमें समझ लो ये सब चीज़ ओपन करोगे आगे तभी आप इसको सेटिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। सुजुकी वैगमैन गाड़ी का।